अगला मज़ीद जो बात इसके अंदर मौजूद है वो है दिसंबर 22 का एडिशन ऑफ स्टडी टेक्स इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द दिसंबर 22 एडिशन। बेटा जी अगर आप स्टडी टेक्स फॉलो कर रहे हैं तो इसके अंदर एक बंडल ऑफ मिस्टेक्स हुई हुई थी जिसको उसने क्या कहा है कि ये ठीक कर लो। लंबी चौड़ी मिस्टेक्स लगता है कि जी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई हैं। उसके बाद MFA की गाइडलाइन आ जाती है। MFA में काई स्केर का टेस्टिंग है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं ये भी डिस्कस कर सकता हूँ। मॉडल पेपर में ये वाली गलती है, स्टडी टेस्ट में चैप्टर 10 लीनियर रिग्रेशन के अंदर ये वाला फार्मूला, एनी ऑफ दीज फार्मूलाज कैन बी यूज, कोई भी फार्मूला इनमें से यूज़ कर लें, ये वो कह रहा है आपको। चैप्टर नंबर सोर्स ऑफ फाइनेंसिस टॉपिक इज़ नॉट एग्जामिनेबल, लें जी चैप्टर नंबर 11 आपका कैफ 6 का एग्जामिनेबल नहीं है। कौन से वाला? इज़ द फॉलोइंग टॉपिक एग्जामिनेबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी एलिमिनेटेड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बस उसके अंदर, पूरा चैप्टर 11 नहीं। यील्ड कर एग्जामिनेबल है, फ्लैक्स बजट्स एग्जामिनेबल हैं, नॉट एग्जामिनेबल। फ्लैक्स बजट बेसिकली बजटिंग से पहले पढ़ा जाता है, लेकिन वो CM में से रिलेट थोड़ा सा ज़्यादा कर जाएगा, वेरियंसेस के लिए यूज़ होता है। और सिंकिंग फंड एग्जामिनेबल है, टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एनुटी इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट EAC, यस ये भी एग्जामिनेबल है। तो ये आपकी कैफ 6 से रिलेटेड भी चंद एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको पेपर देते हुए देख लेनी चाहिए हैं।